हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट हॉरर फिल्म के बारे में जिसका नाम है द कैपस्टोन्स ओक। इस कहानी की शुरुआत होती है माइक नाम के एक फार्मर के साथ, जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपने फार्म को बिकने से बचाने की। उसके पिता ने बहुत मुश्किल से इसे खड़ा किया था। उसके बचपन के सारे मेमोरीज जुड़े हैं इसके साथ और उसकी माँ भी इसी के सहारे जी रही है, लेकिन अब लग रहा है ज्यादा दिन वो और इसे होल्ड नहीं कर पाएगा। एक्चुअली सालों पहले वो एक बार जब बहुत बीमार पड़ा था, तब उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके पिता ने एक जेक नाम के बंदे से बहुत बड़ा लोन लिया था, वो भी इस फार्म को गिरवे रख के। जीते जी वो उस लोन को कभी चुका नहीं पाए, ट्रीटमेंट में ही सारा पैसा खत्म हो चुका था। तो समय के साथ साथ वो अमाउंट बढ़ने लगा। अभी हालत ऐसी हो चुकी है कि जेक रोज आकर उन्हें परेशान करता रहता है, सुबह शाम उन्हें वार्निंग देता है, अगर 3 दिन के अंदर उसे पैसा नहीं मिला तो वो इस पूरे लैंड को ऑक्यूपाई कर लेगा। माइक की पत्नी सैरा ने उसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है शहर शिफ्ट होने के लिए। इस जगह में आखिर है ही क्या, एक सूखे जमीन के बीचों बीच खंडर की तरह खड़ा है ये फार्म, कुछ भी नहीं है आसपास, तो आखिर क्यों माइक इसके लिए इतना स्ट्रेस ले रहा है। असल में माइक अपने से भी ज्यादा अपने माँ के लिए कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता है उसकी माँ शहर जाने के लिए कभी राजी नहीं होगी, यहाँ से कहीं नहीं जाएगी वो। लेकिन वो एक्चुअल में कितने डेस्परेट है, कितने परेशान है, वो माइक को अगले दिन पता चल जाता है जब उसकी माँ अपने आप को गोली मारकर सुसाइड कर लेती है। अपने लास्ट विश में बस एक ही लाइन लिखी थी उन्होंने, मुझे पेड़ के नीचे दफना दो जल्दी। माइक को पता था वो किस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। उनके फार्म में एक ही पेड़ है, एन ओक ट्री, जो पता नहीं कितना साल पुराना है। उसके पिता और उसके अंकल को भी मौत के बाद वहीं पर दफनाया गया था। लेकिन जल्दी क्यों, इस वार्ड पर इतना जोर देने का क्या मतलब हो सकता है? मतलब तो उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन वो लोग वही करते हैं। वैसे भी माइक बहुत सैड फील कर रहा था, अगर वो फार्म को बचा पाता तो शायद उसकी माँ भी जिंदा रहती। वो लोग जब यही सब डिस्कस कर रहे थे तो अचानक ही जमीन कांपने लग जाती है, जैसे भूकंप आ गया हो, और उसके ठीक बाद ही उन्हें एक ऐसी अजीब चीज दिखती है जो उन्होंने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। वो अपने आंखों के सामने उस सूखे हुए पेड़ पर पत्ते निकलते हुए दिखते हैं, जो देखते ही देखते एक एक डॉलर के नोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे हर एक टहनी पे पता नहीं कितने सारे नोट्स लटक रहे थे। सैरा तो खुशी में उछलने लगती है, मगर माइक बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसे याद आता है उसके पिता ने बचपन में उसे एक बार कहा था कि ये ट्री बहुत स्पेशल है, मगर क्यों स्पेशल है वो उन्होंने कभी नहीं बताया। आज जाकर माइक को उसका जवाब मिल रहा है। शायद इसीलिए उसकी माँ यहाँ से कहीं जाना नहीं चाहती थी, शायद इसीलिए उन्होंने खुदकुशी करी जिससे वो इस फार्म को रख सके और इस पेड़ को भी, क्योंकि शायद उन्हें पता था इस पेड़ के नीचे किसी लाश को दफनाने से ही ये पेड़ पैसा देगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके पास $1500 कम पड़ रहा था, तो माइक फिर से टेंशन करने लगता है, 2 दिन के अंदर वो कैसे मैनेज कर पाएगा। सैरा तब भी उसे याद दिलाती है कि इससे उन्हें शहर में कोई अपार्टमेंट मिल जाएगा आराम से, अभी तो उसकी माँ भी नहीं है तो वो लोग क्यों यहाँ पर पड़े रहे। शायद वो उस पेड़ की अहमियत समझ नहीं पा रही थी, लेकिन माइक उस मिरेकल को देखने के बाद वो और भी ज्यादा श्योर हो चुका था कि उसे यहीं पर रहना है, कुछ भी हो जाए वो इस पेड़ को और किसी के हाथ लगने नहीं दे सकता। तो वो पूरी रात जग के इसी बारे में सोचने लगता है, एंड फाइनली उसे एक रास्ता भी मिल जाता है। रात के 3 बजे चोरी छुपे वो जा पहुंचता है एक ग्रेवयार्ड में और एक कंपैरेटिवली पुराना ग्रेव ढूंढकर उसके अंदर से लाश निकाल लाता है और फिर उसे दफना देता है उस पेड़ के नीचे। वो उम्मीद कर रहा था फिर से एक मिरेकल होगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों। उसके पूरे मेहनत पर पानी फिर चुका था, तो
वो बहुत नाराज हो जाता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। इस सब से सैरा बहुत ही डिस्टर्ब्ड फील कर रही थी, तो वो चुपके से जाके जेक को कॉल करके पेपर्स रेडी करने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे तक माइक भी हार मान चुका था, तो वो भी सैरा से कह देता है शहर में घर देखने जाने के लिए। इनफैक्ट वो लोग उसी दिन जाकर एक घर को फाइनलाइज भी कर लेते हैं। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं माइक के मन में एक अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी बार उस पेन ने काम क्यों नहीं किया। कुछ तो गलत कर रहा है वो। घर लौटते वक्त उन्हें रास्ते पर एक खरगोश की लाश दिखती है, जिसे देखकर ही माइक के दिमाग की बत्ती जल उठती है। वो समझ जाता है उसके माँ ने उसे जल्दी करने के लिए क्यों बोला था। असल में इस पेड़ को लाश से कोई मतलब नहीं है, उसके खून से है। लाश जितना फ्रेश होगा उतना ही उसे खून मिलेगा और उतने ही तेजी से वो फ्रूटिंग करेगा। माइक ट्राई करने का डिसाइड करता है, तो वो उस खरगोश को लाकर पेड़ के सामने गाड़ देता है उसी रात। इससे काम तो बनता है, लेकिन वो खरगोश इतना छोटा था कि उससे बस एक ही नोट निकलता है। इससे माइक का मन नहीं भरता, उसे और पैसा चाहिए था। अब जो रास्ता भी उसे मिल चुका है, तो पैसों के लालच में वो जैसे पागल ही बन जाता है। तभी उसे सामने एक चिकन दिखता है, जिससे उसे याद आता है उनके फार्म में अभी भी कुछ चिकन्स हैं, तो क्यों ना वो उन्हें ही यूज करे। वो सबको मानने का डिसीजन लेता है। घर में सैरा ने सब कुछ पैक कर लिया था, इसीलिए उसे कोई चाकू नहीं मिलता, तो वो अपने गन से ही एक एक को शूट करके मार डालता है। लेकिन उससे भी काम नहीं बनता, उसे कुछ बड़ा चाहिए था। ठीक इसी समय उसका पेट डॉग उसके पास आता है और पागलपन के नशे में माइक उसे भी मार डालता है। उस पेट को, जिसे वो कभी खुद से भी ज्यादा प्यार किया करता था, इस हद तक गिर चुका था वो। देर रात तक ये दहशत चलता रहता है। सैरा उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वोल्डर उस पर भी चिल्लाने लगता है। सैरा को तो लिटरली डर लगने लगा था। वो इस माइक को पहचान नहीं पा रही थी। माइक बदल चुका था, उस पेड़ ने उसे बदल दिया था। नेक्स्ट डे सुबह होते ही जैक पेपर्स लेके पहुंच जाता है माइक के घर। माइक उसे पैसा भी दे देता है, लेकिन तब भी उसमें $200 कम पड़ रहा था। माइक उसे प्रॉमिस करता है कि वो रात तक क्लियर कर देगा, लेकिन जैक नहीं मानता। उल्टा वो अचानक से माइक से उस पेड़ के बारे में पूछने लगता है। अब इस सवाल से माइक का दिमाग भड़क जाता है। वो समझ जाता है इस आदमी को उसका राज पता है, लेकिन कैसे। वो जैक पे हमला करके उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और यही सवाल करता है। और तब उसे पता चलता है जैक को सैरा ने सब बता दिया है। तभी उन्हें दूर से सैरा की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, वो तो काम पे गई थी ना। माइक जैक को उसी हालत में पेड़ की तरफ ले जाता है और देखता है सैरा एक चेनसॉ मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। ये पेड़ ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, तो उसने ठान लिया है कि वो आज इसे काट ही डालेगी। कल रात उसने जो देखा वो फिर से देखने की हिम्मत नहीं है उसमें, और उसे ये भी पता है कि वो माइक को मना नहीं सकती, तो यही सही। देखते ही देखते सैरा उस मशीन को ऑन कर लेती है और पेड़ को काटना शुरू कर देती है। माइक उसे रोक नहीं पाता, तो मजबूरन उसे अपने बीवी को ही मारना पड़ता है। उधर जेक सब कुछ देखकर काफी डर गया था। जैसे ही सैरा को गोली लगती है और माइक थोड़ा सा इनअटेंटिव होता है, वो उससे उसकी गन छीन लेता है और माइक को ही गन पॉइंट पे ले लेता है। लेकिन उसे पता नहीं था बंदूक में गोली ही नहीं है। जैसे ही उसे रियलाइज होता है, वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसे जाने देते अपना। वो पहले जैक को बंदूक से मारकर जख्मी कर देता है और उसके बाद कटर से उस जिंदा आदमी को दो हिस्सों में बांट देता है। खून से पूरी मिट्टी भीग जाती है। यही तो वो चाहता था, कल से यही तो करने की कोशिश कर रहा था वो। इसके लिए न जाने कितने इनोसेंट सोल की कुर्बानी दी उसने, इवन अपने पत्नी और डॉग को भी नहीं छोड़ा। इस पेड़ के माया जाल में फंस चुका था माइक, अंधा हो चुका था। एग्जैक्टली इसी का डर था सैरा को, यही उसे समझाने की कोशिश कर रही थी वो, वार्न कर रही थी।
मगर माइक लालच के चक्कर में सही गलत में फर्क करना भूल गया था। हैवानियत के सीमाओं को पार कर चुका था वो। शायद इसीलिए उसके पेरेंट्स ने कभी उसे इस बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था ये ब्लेसिंग कभी उनके परिवार का कर्ज ना बन जाए। पूरे कैपस्टोन फैमिली ने इतने सालों से जैसे खुद को काबू किया है, बहुत बुरे समय में भी लालच में आकर कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। क्या पता माइक ऐसा कर ना पाए। उनका डर ही आखिरकार सच साबित हुआ। माइक के लिए ये पेरे कर्ज बन गया। शायद उसका सबसे बड़ा कर्ज ये था कि उसे ये बात रियलाइज ही नहीं होती। अपना कॉन्शियंस जो खो चुका था वो, उसे लग रहा था उसे सब कुछ मिल चुका है तो वो तो बहुत खुश था। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसे पैसा मिल रहा है लेकिन किस कीमत पर। अपना सब कुछ तो खो चुका है वो, अपनी फैमिली, अपनी लविंग पेट, अपने एथिक्स और अपने मॉरलिटी भी। एक पागल खूनी बन चुका है वो। अब उसे कितना ही पैसा क्यों ना मिले, क्या सुकून कभी मिलेगा? कभी नहीं। इन सारे पैसों के बदले भी उसे अपनी पिछली जिंदगी वापस नहीं मिल सकती। दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक शॉर्ट स्टोरी इतना मीनिंगफुल हो सकता है मैंने कभी नहीं सोचा। बहुत यूनिक और थॉटफुल आइडिया है। मेरे तरफ से तो 10/10। आपको ये वीडियो कैसे लगी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।